क्या जल्द खत्म होगी इसराइल हमास के बीच की जंग? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हुआ सीज फायर का प्रस्ताव इसराइल और हमास। 3. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include: a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza, release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners. क्या जल्द खत्म होगी इसराइल हमास के बीच की जंग? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हुआ सीज फायर का प्रस्ताव इसराइल और हमास में 8 महीने से जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया है। और इस प्रस्ताव को पेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। यानी अब सुपर पावर अमेरिका इस जंग को हर हाल में खत्म करवाना चाहता है। वो अमेरिका जो हमास पर पलटवार के लिए इसराइल को हाहाकारी हथियारों की खेप दे रहा है, सुरक्षा एजेंसियों के जरिए भी मदद कर रहा है। वो अमेरिका अब UNSC में प्रस्ताव लाकर इस जंग को जड़ से खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया। इसराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव 10 जून को पेश किया, जिसे सदस्य देशों ने मंजूरी दे दी। 10 जून को ही वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। दावा किया जा रहा है कि इसराइल पहले से सीज फायर के प्रस्ताव और उसकी शर्तों से सहमत है। हमास भी बातचीत को तैयार है। पहली बार अमेरिका की तरफ से पेश किए गए सीज फायर प्रपोजल में 3 फेज में जंग खत्म करने की बात कही गई है। पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास की कैद में मौजूद कुछ इजरायली बंधक और इसराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की गई है। इसके बाद दूसरे फेज में जंग को पूरी तरह से रोक कर बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद शुरू होगा तीसरा और आखिरी फेज। आखिरी फेज में गाजा पट्टी को फिर से बसाने का जिक्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने इस प्रस्ताव की घोषणा की थी। अमेरिका के मुताबिक इसराइल पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है, लेकिन इस बीच इसराइल से जो खबर आ रही है वो अमेरिका के इस पूरे प्लान पर पानी फेरने का काम कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीज फायर का प्रस्ताव पास होने के बाद और उससे पहले भी कुछ इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा से हमास का खात्मा होने तक वे जंग जारी रखेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा था कि बाइडेन ने प्रस्ताव का केवल कुछ हिस्सा ही सार्वजनिक किया है, इसके कुछ हिस्से अभी भी पर्दे के पीछे हैं। इजरायल परमानेंट सीज फायर पर तभी बात करेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी UNSC में सीज फायर का प्रस्ताव पास होने के बाद भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं लग रहा है जितना दिख रहा है। कुछ तो इसमें पेच है जो अभी सामने आना बाकी है और जिसका सोर्स अमेरिका ही है। जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव पारित किया गया है उनको लेकर खबर ये भी है कि इसमें से कई बंधक मारे भी जा चुके हैं, कई लापता हो गए हैं। यानी बंधकों को लेकर अब सही आंकड़ा भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में इसराइल और हमास के बीच जारी ये जंग दिन बीतने के साथ साथ उलझती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज। धन्यवाद।